ये जो है ना, ये सब आयुर्वेदिक दवाई है। ये 5000 साल पहले भी लोगों को प्रॉब्लम होता था। तुमने देखे है ना, इजिप्शियन पिरामिड्स देखे हैं, उधर भी मम्मीज देखे हैं, उनमें भी किडनी स्टोन, पित्ताशय की पथरी है, गर्भाशय की प्रॉब्लम जो भी है, वो तब भी मिलते थे लोगों में। तब भी के बच्चों को बच्चे नहीं होते थे, तब भी होते थे ना, तो वो कैसे होते, तो वो भी हर्बल मेडिसिन सिखाते थे। इतनी सिंपल हर्बल मेडिसिन है, तुम्हें ना डरना है, ना रोना है, ना घबराना है, बस तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें ट्रीटमेंट कराना है। तुम तो स्वस्थ हो, ठीक है, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये सब, अभी ये बीज संस्कार बोलते हैं, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं वो पहले समझ लो। पहले बीट, गाजर, टमाटर खा लो, वो खाना डेली खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे खून की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। रोज धूप में तुम्हें आधा एक घंटा बैठना है, सीधा बैठ के स्वस्थ मन एकदम शांत करके डीप ब्रीदिंग करना है। 10-15 मिनट वॉकिंग, 10-15 मिनट सवेरे शाम, या पूरा घर का काम कर लो, ठीक है, जिससे तुम अपने हाथों से करोगी तो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स जो है, तो बादाम, अखरोट, खजूर, अंजीर, काले किशमिश, वो डेली खाने हैं। कठोर में चना, काले सफ़ेद चने, मूंग, मटर, सब जितने मिलते हैं वो डेली डेली खाने हैं। कच्चे खाओगी तो और अच्छा, उसमें हाई प्रोटीन रहता है, उबाल के प्रोटीन्स कम हो जाता है। सैलेड में सब खाना है तुम्हें, और फ्रूट्स में रोज़ तुम्हें अनार लेना है, तुम्हें एप्पल खाना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं वो ले लो। हाँ, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा रखो, जिससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तुम्हें गाय का दूध लो, दही लो, छाछ लो, नारियल पानी लो, तुम्हें जो अच्छा लगे। हाँ, गन्ने का जूस डेली पी लो डेली, और मन एकदम शांत रखना। प्रेगनेंसी नहीं रही इसके पीछे मन को अशांत नहीं करना। अगर तुम स्ट्रेस लेवल तुम्हारा हाई रहेगा तो बीज तुम्हारे हाथ से ही मरेगा, ठीक है। इतने अशांत शरीर में कभी भी बीज अच्छा नहीं बनता है। कभी भी कोई देखो, तुम कोई भी झाड़ देखो, उसमें कब फल अच्छा लगता है, जब झाड़ अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। हमें स्वस्थ फल चाहने चाहते हैं तो उसमें खत पानी डालना पड़ता है ना, फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है ना, कि अपने आप एप्पल अच्छे आएंगे, उसको पपई अच्छी आएगी, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना बेटा। हाँ, कभी भी देखो खेती वाले लोग कितने करते हैं, ज़मीन में पानी रेगुलर डालते हैं, खत डालते हैं, वैसे ही शरीर का है। अगर बीज नहीं बन रहा है तो उसमें भी दवाई करनी है तुम्हें, उसमें पंचकर्म। अगर नहीं, इतने सालों से बीज बन रहा है तो ताबड़ तो बनाने के लिए पंचकर्म रहता है, तो उसकी सहायता से हम बीज बनाएंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।